दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मुसाफिर 109 में। होपफुल आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता था कि मैं केदारनाथ और तुंगनाथ ट्रैक पे गया था, तो दो पार्ट्स तो आपने देख ही लिए होंगे और आपका इंतज़ार भी था कि केदारनाथ का ब्लॉग कब आएगा। मेरे को बहुत सारे मैसेज और कॉल वगैरह आ रहे थे। तो वैसे तो मेरा यार ब्लॉग बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ मेरे साथ क्या सीन हुआ कि केदारनाथ और तुंगनाथ की जितनी भी क्लिप्स थी ना, वो अचानक से डिलीट हो गई है। जो मेरे फ़ोन के कैमरे से ली हुई वीडियोस और फोटोज़ थी, उनको मैं एक्चुअली लैपटॉप में अपलोड कर रहा था सेफ रखने के लिए, पर मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे अनसेफ हो जाएंगी। वो अचानक से वो फोल्डर ही गायब हो गया, शो ही नहीं हो रहा है। मैंने कोशिश की है दोस्तों, 4-5 दिन तक मैंने लगातार कोशिश की है रिकवरी करने की, बैकअप करने की, पर ऐसा मतलब मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं मिला। ना ही वो रिकवर आ रही, ना बैकअप हो रही है। जो पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनसे भी पता किया था, पर उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो यार वो वाला ब्लॉग ना आप लोग भी मिस कर गए, और मेरे को तो बहुत ही मतलब दुख हो रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है कि यार इतना दूर गए। बाकी जहाँ जाने का सपना था और आप लोगों को दिखाने का एक सपना था, वो सपना सपना ही रह गया। बाकी दर्शन तो हमने कर ही लिए थे। एक्चुअली वहाँ पे जो हमारा तुंगनाथ वाला ट्रैक था, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे रिस्पांस मुझे मिले थे। जितने भी आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अदर स्टेट के लोग थे, उन लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था मुझे। उन लोगों ने बोला था कि जब भी आप ब्लॉग डालोगे तो बता देना। मैंने उन्हें हफ्ते भर का टाइम दिया था, पर वो हफ्ता भर सक्सेस नहीं हुआ और आज मेरे को ये क्लिप्स डालनी पड़ रही है। तो दोस्तों, ये है कि मेरे से जितनी भी छोटी मोटी क्लिप्स इकट्ठा हुई है इधर उधर से भाई लोगों के फ़ोन से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। बाकी देखते हैं इसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। वैसे मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है ब्लॉग बनाने का, बाकी देखते हैं क्या होता है। और इस क्लिप्स में जितना मेरे से एक्सप्लोर हो पाएगा, एक्सप्लेनेशन हो पाएगा, मैं उतना करूँगा। इस पहाड़ को देख के ना मोबाइल डाउन नहीं हो रहा है, क्या बोलते हो? भाई यहाँ तो पांडव गए थे स्वर्ग की ओर, आज हम चले बताओ भाई। मतलब यार देखो, ऐसे जब नजर पड़ रही ना ऐसे में भाई, नो वर्ड्स, बहुत दूर। मुझे लगता नहीं उसके बाद कुछ होगा, पर जाना है, पर जाना है, जाना है अगली बार ठीक है। हमारे भाषा में उसे बोलते चुपलिया पक्षी ना, वहाँ पे एक पक्षी है भाई का यार देखे बोलते यार देखे बाल केदारनाथ की एक क्लिप के बाद दोस्तों मेरे पास बची हैं 2-3 क्लिप्स आपके तुंगनाथ की। तो यहाँ पे क्या था कि बढ़िया सा मौसम के साथ सुबह हम 7 बजे तुंगनाथ के ट्रैक के लिए निकल गए थे, और ये जो आप देख रहे हो ये वाली वीडियो बहुत ही मज़े किए थे। उस टाइम हम थोड़ा इंजॉय कर रहे थे क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हो रखा था, पीछे से सफ़ेद पहाड़ दिख रहे थे बर्फ़ के। और तब तक तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे और खूबसूरत नज़ारे आपके चौपता वैली के दिख रहे थे। तुंगनाथ मंदिर जो है दोस्तों, भगवान शिव जी का सबसे ऊंचा मंदिर है, और थोड़ी देर बाद हम बाबा तुंगनाथ जी के दरबार में पहुंच जाते हैं। तो हमारे कदम अभी वहां पर है, यहां से जाता है दोस्तों तुंगनाथ मंदिर का रास्ता, उसके बाद जाएंगे हम आपके चंद्रशिला। चलो अपने कदम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ाते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको बाबा तुंगनाथ जी के। बाबा केदार की ऐसी कृपा रही, दोनों दर्शन हमारे एक साथ हो गए, केदारनाथ और तुंगनाथ के। चेक करो, ये क्लिप दोस्तों चौपता वैली के बुग्याल की है, और यहाँ पे ना मेरे को बहुत सारे हिरन का झुंड दिखाई दिया था, तो मैं उनके पीछे पीछे भागा। तो मैंने काफ़ी क्लोज से ना उनकी वीडियोस बनाई थी, वो वीडियोस भी मेरे से मिस हो गई हैं। तो बहुत सारे झुंड था एक साथ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैंने पूरा कैप्चर किया था अपने मोबाइल में।
आज तक दोस्तों मैंने वीडियोस में फोटोज में केदारनाथ मंदिर जो देखा था उससे भी कई लाख गुना बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर बाबा केदार के दर्शन करने जाना, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। पार्ट टू में हम दोस्तों वहां तक पहुंचे थे जहां से केदारनाथ जी का मंदिर दिखना शुरू हो जाता है, उसके बाद पार्ट थ्री में आपको केदारनाथ जी के दर्शन करवाने थे और हमने सुबह शाम के 7 बजे बाबा केदार के दर्शन किए थे। उसके बाद ये जो नज़ारे आप देख रहे होंगे ये हैं आपके सुबह सुबह के खूबसूरत नज़ारे। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक खूबसूरत सा पहाड़ था जिसपे चारों तरफ से बर्फ़ से ढका हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। जैसे ही दोस्तों हमने बाबा केदार जी के दर्शन किए उसके बाद गए थे हम भैरवनाथ मंदिर। वहाँ से थोड़ा ऊपर जाके आप ये बुग्याल वाला एरिया जो है वो मिस मत करना, ज़रूर आप यहाँ पे जाओ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जगह और सुकून भरी जगह है। तो हमने भी यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया था, बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा था। आपको अगर केदारनाथ की पूरी वैली देखनी, पूरा केदारनाथ का जो एरिया वो देखना, तो आप इस वाले टॉप में ज़रूर जाएँ, यहाँ से आपको पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही ऊपर आपको चलना पड़ेगा। ये सब दोस्तों केदारनाथ और तुंगनाथ जी की मंदिर की क्लिप्स थी जो जितना भी हो पाया मेरे से कलेक्ट मैंने की है। बाकी अब बताता हूँ दोस्तों मैं आपको कि केदारनाथ और तुंगनाथ कितना किलोमीटर है, कैसे कैसे आपको जाना है और कैसा कैसा वहाँ का मौसम रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम गौरीकुंड से पैदल यात्रा केदारनाथ के लिए शुरू कर दिए थे, तो 22 किलोमीटर पूरा ट्रैक रहता है। लोग कहते हैं कि 16 किलोमीटर, लेकिन 16 किलोमीटर नहीं है, वो ट्रैक मिलेगा आपको 22 किलोमीटर का। उसके बाद हम केदारनाथ पहुँचे जैसे ही, तो वहाँ पे टाइम भी रहता है आरती का, तो 3 बजे जो है दोस्तों वो आपकी आरती, आपके जो केदारनाथ मंदिर के कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद आप 6-7 बजे शाम को फिर से दर्शन कर सकते हो बाबा केदार के। फिर दर्शन करने के बाद दोस्तों हम वहाँ पे अपने दोस्त के एक होटल में रुके थे, वहाँ पर हमने रहना खाना सब कुछ भाई ने अरेंज किया था हमारे लिए। फिर उसके बाद जैसे हम सुबह को उठे, सुबह फिर से हम बाबा केदार के दर्शन करने गए। उसके बाद दर्शन करने के बाद दूसरा जो पड़ाव है हमने भैरवनाथ मंदिर जी के दर्शन किए। तो वहाँ से वासुकीय ताल एक जगह है, वहाँ पे भी आप ज़रूर जाएं, वहाँ पे आपके ब्रह्म कमल फूल मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अकेले जाते हो तो आप वहाँ पे मतलब खो सकते हो। वासुकीय ताल तो दोस्तों हम गए नहीं, हम गए थे भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ के मंदिर के मतलब भैरवनाथ मंदिर जो है वहाँ से ही आपका बुग्याल एरिया शुरू हो जाता है। आप अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा आपने पवाली का ट्रैक भी यहीं से शुरू कर दिया है, क्योंकि ऐसी पूरी जो है बुग्याल क्षेत्र है वो पूरा। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छा है वहाँ पे घूमने के लिए। बाकी वहाँ से अगर आप नज़ारा देखना चाहते हो पूरे केदार घाटी का, तो वो आपको वहाँ से पूरा दिखेगा, क्योंकि वो काफ़ी हाइट पर है। तो वहाँ से पूरा ट्रैक करके 1-2 घंटे आप बढ़िया से वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हो। जाते हुए समय दोस्तों मौसम ने तो काफ़ी अच्छा साथ दिया था हमारा, लेकिन जब हमने अगले सुबह बाबा केदार के दर्शन किए, काफ़ी बढ़िया मौसम उस टाइम पे भी था, देख सकते हो आप जैसे पीछे क्लिप्स में आपको पीछे सफ़ेद पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। तो उसमें हमने दर्शन करे, फोटोज जितने भी थे हमने खींची, वो आपको लास्ट एंडिंग में फ़ोटोस आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे हम नीचे आए मौसम एकदम से ख़राब हो गया। तो क्या है दोस्तों आपको ज़्यादातर कौन से मौसम में जाना चाहिए, पहले तो कोशिश करें आपकी मई जून के मौसम में जाए, बाकी जुलाई से बारिश शुरू हो जाती है, जुलाई अगस्त 2 महीने लगातार बारिश होती है। बाकी केदारनाथ से जैसे ही हम नीचे को उतरे हम गए सीधा आपके तुंगनाथ वाले रूट पे। तो हमने हमारा जो अगला पड़ाव था, अगला ट्रैक था, वो था आपका बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन। जैसे ही हम ऊपर केदारनाथ से नीचे की ओर आए, उसके बाद सीधा तुरंत हम चले गए थे तुंगनाथ वाले रोड पे, क्योंकि हमारा जो दूसरा ट्रैक था वो था तुंगनाथ। तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था दोस्तों, तो उसके बाद हम वहाँ पर
चोपता में जो है रात को पहुँचे, तो हमने वहाँ पे रूम वगैरह देखे रहने के लिए, और रेस्ट वगैरह करने के बाद हम अगली सुबह एकदम जल्दी से उठ गए थे। 7 बजे हम पैदल ट्रैक हमने शुरू कर दिया था तुंगनाथ के लिए, तो काफ़ी बढ़िया सा हमारे साथ मौसम ने भी साथ दिया। बाकी ये कुछ मेरे मेमोरीज थी तुंगनाथ की, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी मेमोरीज थी, ये सब आपकी तुंगनाथ की मेमोरीज हैं।